मुखिया जी, क्यों ना हम इस वर्ष चौपाल पर भव्य पूजा का आयोजन करें? पर वो तो हम प्रत्येक वर्ष ही करते हैं। कैसा रहेगा यदि इस वर्ष हम एक संगीत कार्यक्रम भी करें? क्यों ना इस बार भव्य दावत का आयोजन करें, सभी गुरु और ऋषि मुनियों को बुलाकर उनकी सेवा करें। आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए इस वर्ष हम बसंत पंचमी में वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं, परंतु इस वर्ष जो भी होगा भव्य होगा, क्योंकि तभी तो बसंत पंचमी के उत्सव का आनंद आएगा। क्यों? हाँ, इस वर्ष हम माँ सरस्वती की पूजा भव्य करेंगे। तो बोलिए, माँ सरस्वती की जय। माँ सरस्वती की जय। हम सब प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा करते हैं, पर आशीर्वाद में हमें क्या मिलता है? सद्बुद्धि, जिसे हम देख ही नहीं सकते, उसके लिए पूजा करने का क्या लाभ? भला किसी ने कभी सद्बुद्धि देखी भी है? मैंने तो नहीं देखी, मैं तो बस प्रसाद खाने के लिए पूजा में जाती हूँ, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है मीठा। मैं भी, कितने सारी मिठाइयाँ, कितने सारे लड्डू, कितने सारे व्यंजन मिलते हैं, नए वस्त्र पहने को भी मिलते हैं। बस इन सब के लिए ही तो हम पूजा के लिए उत्साहित रहते हैं। अन्यथा ना सरस्वती माँ स्वयं दिखती है और ना ही उनसे मिला आशीर्वाद। अब इनका क्या करें कान्हा, तुम ही बताओ। दाऊ, इन्हें तो सरस्वती पूजा के विषय में कुछ भी नहीं पता। यदि उनका दिया आशीर्वाद दिखाई नहीं देता तो क्या हम उनकी पूजा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे दाऊ, यदि ऐसी बात है तो कह दीजिए इनसे कि इस वर्ष माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी दिखेगा और साक्षात माँ सरस्वती भी इन्हें अवश्य दिखेंगी। परंतु कान्हा, माँ सरस्वती इन मूर्खों को क्यों दिखेंगी जो उन्हें मानते ही नहीं? दिखेंगी दाऊ, आप कह दीजिए इनसे। मुखिया जी, आप बसंत पंचमी की पूजा में किस लिए आते हो, ये बताइए। मैं तो माँ सरस्वती की पूजा करने आता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आता हूँ। अच्छा, क्या आपको सरस्वती माँ और उनका दिया हुआ आशीर्वाद दिखता है? मैं यहाँ फंस रहा हूँ और तुम हंस रहे हो कान्हा। आपको ऐसे फंसा देख बहुत आनंद आता है दाऊ। अब ठिठोली बंद करो कान्हा, सहायता करो मेरी। कहिए ना, दिखता है? हाँ, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। इस वर्ष अवश्य दिखेंगी, सबको दिखेंगी माँ सरस्वती। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं दाऊ कि माँ सरस्वती हम सबको दिखेंगी? मैं कह रहा हूँ ना कि दिखेंगी। और यदि नहीं दिखे तो मुखिया जी? ये नकचड़ी हमेशा मेरे साथ विवाद करती है। यदि माँ नहीं दिखी तो अरे दाऊ, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। जब तक माँ सरस्वती के दर्शन नहीं हो जाते तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तुम सब तो वैसे भी प्रसाद खाने के लिए पूजा में आते हो ना, तो मेरे हिस्से का प्रसाद भी तुम ही खा लेना। ये हुई ना बात। इस वर्ष मुखिया जी गोकुल के उत्तम भोग में भूखे ही रह जाएंगे। भूख से तो दाऊ का मस्तिष्क सही नहीं रहता, इन्हें भूखा देखने में बड़ा आनंद आएगा। सही कहा, कम से कम इस वर्ष पूजा में आनंद तो आएगा। देखा कान्हा, कुछ नहीं हो सकता इन मूर्खों का, पर मैं कल भूखा तो नहीं रहूंगा ना। माँ सरस्वती दर्शन देंगी ना सबको? दाऊ, मैंने बस आपको ये बताने के लिए कहा था कि सरस्वती माँ दिखेंगी, आपने तो उन्हें वचन ही दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब तुम मुझे भूखा रहने दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानते हो मुझसे भूखे पेट नहीं रहा जा सकता। स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मेरे मुख में अपने आप पानी आ जाता है। कुछ करोगे ना कान्हा?
कान्हा अपने दाऊ के साथ ऐसे थोड़े ही करेगा। आप चिंता मत कीजिए दाऊ, कल आपको पेट भर प्रसाद मिलेगा। महाराज, बसंत पंचमी के अवसर पर जब सभी गोकुलवासी सरस्वती पूजा में व्यस्त होंगे, तब हम उनके धान को आग लगा देंगे, सब नष्ट कर देंगे। अच्छी योजना है क्रूर, बड़ा आनंद आएगा ये देखकर। सरस्वती पूजा का अच्छा प्रसाद मिलेगा गोकुलवासियों को। कंस मामा की ये हिम्मत कि वो हमारे होते हुए वसंत पंचमी के शुभ अवसर पे गोकुल को आग में नष्ट करने की सोचे, हमारे द्वारा परिश्रम से उपज किए हुए धान को नष्ट करे, ऐसा वो सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इसे क्रूरता कहूँ या मूर्खता। मूर्ख तो वो ही है, और मूर्खों को भी सरस्वती पूजन के दिन सद्बुद्धि मांगने का एक अवसर तो मिलना चाहिए ना दाऊ। बस कान्हा, अब मामा कंस को ऐसा कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए जिसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि माँ सरस्वती ने उनको मनवांछित वर दे दिया तो गोकुल पर संकट आ जाएगा कान्हा, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। दाऊ, माँ सरस्वती की आराधना तो सभी कर सकते हैं, उनसे वर मांगने का अधिकार मनुष्य, पशु, देव, असुर सभी को है, कंस मामा को भी। बल्कि मैं तो माँ सरस्वती से स्वयं अनुरोध करूँगा कि कंस मामा को जो वर चाहिए वो उसे दे दे, और उन्हें जो करना है वो करने दे। तुम ऐसा क्यों चाहते हो कान्हा? दाऊ, आप मेरे साथ आइए, आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा। हे माँ सरस्वती, मैं सच्चे और भक्ति भाव भरे मन से आपका आवाहन करती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पति के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। कृपया करके ये पूजा सफल कीजिए, दर्शन दीजिए माँ। माँ सरस्वती, कान्हा आपका आवाहन करता है, दर्शन दीजिए। नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए, आपकी लीला में मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकती हूँ? इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मेरी आपसे एक ही इच्छा है। आप तो वैसे भी सभी को सद्बुद्धि, विवेक, कुछ करने का अवसर देती ही है ना, तो इस बार भी अवश्य देंगी। मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई आपका सच्चे मन से आवाहन करके अपने किसी प्रियजन के लिए जो भी मांगे वो उसे मिल जाए। मैं आपका आशय समझ गई नारायण, किंतु यदि कंस ने कुछ ऐसा मांग लिया जो योग्य न हो तो? आप तो जगत माता है, आप अच्छे से जानती है बच्चों को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो माँ सरस्वती उसे वही देंगी जो उन्हें उचित लगेगा। कहो अस्ति, क्या मांगना चाहती हो? तुम्हारी भक्ति सच्ची है,
मन पवित्र है, तुम्हारी पूजा सफल हुई अस्ती, जो वर चाहे मांग लो। माँ, मैं अपने पति के लिए एक वर मांगना चाहती हूँ। मैं अभी महाराज कंस को बुला के लेके आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ये संकल्प स्वयं ले। मैं चाहती हूँ इस वर्ष बसंत पंचमी में वो ये पूजा करे और अपना वर मांगे। कृपया करके उनकी इच्छा पूर्ण करिएगा माँ, पूर्ण करिएगा। मैं अभी अभी बुला के लेके आती हूँ। महाराज, महाराज। अस्ती, तुम्हारा इतना दुस्साहस। बाधा डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, परंतु बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है अस्ती? महाराज, आप मेरे साथ चलिए, आपकी सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। विवेक से मांगिए, स्वयं माँ सरस्वती आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है महाराज। माँ सरस्वती? हाँ महाराज, आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। चलिए चलिए ना। मैं ये विचार कर भयभीत हो रहा हूँ कि तुमने माँ सरस्वती से कंस को क्या वरदान देने को कहा है और वो मूर्ख मामा क्या मांगने वाले हैं। दाऊ, माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं और मामा कंस को क्या वरदान मिलेगा वो उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है।